हेलो गाइज, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग फ्री फायर के अंदर एक न्यू इवेंट आया है, तो गाइज उसमें से जितने भी लेजेंडरी बंडल है गाइज रेयर, सारे के सारे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को गाइज पूरा एंड तक देखना। जैसे कि मैंने कल वाला वीडियो पे बोला था कि मेरा कितना गंदा कटा है, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो कॉमेंट करो। तो आप में से बहुत सारे बंदे ने इतना ज़्यादा कॉमेंट किया, मेरे को डालना पड़ रहा है। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का कॉन्टेंट बनाता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से गाइज टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएगा। वैसे आप लोगों ने कॉमेंट किया इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। तो देखो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक, एंड शेयर जरूर करना गाइस। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहेगा। और आज गाइस फ्री में मैजिक क्यूब एंड गन का स्किन मिलेगा, तो गाइस दिवाली स्टोर पे जाके M4E1 का जो स्किन है वो रिडीम कर लेना है। वो डबल रेट ऑफ फायर वाला लेजेंडरी स्किन है, वो बहुत ही ओपी स्किन है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं गाइस हमारा स्पिन। एंड पहले ही मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैंने 1000 और डायमंड उड़ाया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो गाइस हम लोग यहाँ पे 200-200 करके डायमंड का स्पिन करेंगे गाइस फटाफट, बिना टाइम मोस्ट किए गाइस। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास भी 1000 से 600-700 डायमंड है तो आप लोग भी स्पिन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है मतलब रेयर बंडल या फिर रेयर जो लेजेंडरी स्किन है वो निकालने का गाइस। ओके, तो आप लोग निकाल सकते हो गाइस, और उससे ज्यादा डायमंड के ऊपर मत जाना क्योंकि ज़्यादा डायमंड का नशा ठीक नहीं है गाइस। ठीक है, तो 1000 के अंदर अगर निकले तो सही है, अगर नहीं निकले तो उसके ऊपर मत जाना गाइस। ओके, आपका कट भी सकता है यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे क्या होने वाला अभी देखो आप लोग। एंड गाइस हैप्पी दिवाली सबको गाइस। ओके, तो यहाँ पे गाइस हम लोग फिर से स्पिन करते हैं, और यहाँ पे लड़की का बंडल मिला। इसका अगर लड़का वाला मिलता तो बहुत ही ओपी रहता, बट यहाँ पे लड़का वाला तो टट्टी दे रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। अभी ये वाला एक अच्छा बंडल निकला है मेरे को, हिल कुक वाला। ओके, तो यहाँ पे देखते, अरे भाई साहब लेजेंडरी मतलब लड़का का बंडल निकला है मेरे को। बस ब्रेक डांसर मिस्ट्री शॉप वाला एंड गाइस जो राजा वाला है वो बंडल चाहिए, आर्टिक ब्लू। एंड मेरे पास ये जोम्बी सामुराई तो पहले से ही है, अभी देखते हैं कब तक निकलता है भाई। यहाँ पे तो टट्टी मिल रहा है भाई 200 डायमंड में भाई। ओ भाई लोकेश गेमर जैसा बंडल मिल गया मेरे को भाई, बहुत सही। ये मेरा दूसरे अकाउंट पे दोनों ही था गाइस। ओके, बट मैं इस अकाउंट पे खेल रहा हूँ अभी फिलहाल। भाई टट्टी दे रहा है यार, क्या है भाई। भाई एक बंडल दूसरा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना मुंह तोड़ दूंगा भाई, सच्ची में बता रहा हूँ, बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई देखो यार 200 डायमंड में क्या कुछ मिल रहा है, अभी देखते हैं। मेरे पास स्किन तो है, मैं स्पिन मतलब स्किन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे बंडल ही निकालूंगा गाइज। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट स्पिन कर रहा हूँ, मेरे को भाई ब्रेक डांसर बंडल चाहिए ही चाहिए। मैं 10-12 हज़ार डायमंड खत्म कर रहा हूँ यार, दे दो यार, क्या यार भाई साहब। ओ भाई क्या लेजेंडरी चीज़ दे रहा है भाई, देख रहे हो गाइज। ओ ये भी एक शानदार बंडल है, मतलब इसका जो दाढ़ी है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये टट्टी है गाइज, ये 2-3 बार पड़ गया मेरे को। अबे ये भी 2 बार पड़ गया भाई। गाइज मेरे को तो लगता है ये पूरा स्कैम है गाइज, मेरे को लगता है यहाँ पे डीजे कालू का जरूरत है गाइज। ठीक है, तो डीजे कालू को लेके आते हैं गाइज। रुको रुको, अभी डीजे कालू को लेके आते हैं भाई। कालू कालू आजा भाई, कुछ कर दे भाई। तो अभी इसको इलीट पास पहनाते हैं, कोई देखते कौन सा वाला सीजन 5 वाला पहना देते गाइज। एंड अभी जाते हैं गाइज फिर से, अभी देखते हैं गाइज कितना लक है डीजे कालू का मेरे को। गाइज वो राजा वाला एंड ब्रेक डांसर एंड मिस्ट्री शॉप वाला ये 3 दे दो। अबे चुप कर भाई, गाना कौन बजा रहा है। अबे रुको गाना ऑफ करता हूँ भाई, कॉपीराइट आएगा। ओके ओके, अभी हम लोग स्पिन करते हैं गाइस। डीजे कालू अपना पावर दिखाओ, जल्दी जल्दी अपना पावर दिखाओ, और मेरे को मिस्ट्री शॉप वाला दे दो। ओ भाई राजा वाला मिल गया गाइस, बहुत सही। डीजे कालू अपना पावर दिखाओ, और मेरे को मिस्ट्री शॉप वाला और ब्रेक डांसर दे दो, जल्दी 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 दे दो, जल्दी दे दो। सही है, सही बंडल मिल रहा है अभी। डीजे कालू अपना पावर दिखाओ, जो मेरे पास नहीं है वो मिल रहा है, बहुत सही है बहुत सही। ओ भाई बाहुबली मिल गया भाई, बाहुबली भी मेरे पास नहीं था गाइस, और ये लड़की का बंडल भी मेरे पास नहीं था जो कि डीजे कालू मेरे को दे रहा है। अबे ये भी नहीं था भाई, क्या सही बात है यार। डीजे कालू अपना पावर दिखाओ, मेरे को लग रहा है हो सकता है, यू कैन डू इट ब्रो। डीजे कालू अपना पावर, अपना फुल पावर लगा और मेरे को ब्रेक डांसर दिला। डीजे कालू ब्रेक डांसर भाई, क्यों क्यों भाई रिपीट क्यों कर रहा है भाई। डीजे कालू कमाल दिखा अपना, मेरा पूरा डायमंड तो हजम कर ले, बट मेरे को ब्रेक डांसर दिला दे। ठीक है, अगर नहीं दिलाए ना तो मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, और भी अच्छा दिखेगा तू, सच्ची बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं गाइस मिलता है कि नहीं मिलता। अरे भाई जो मिला है वही दे रहा है यार। कालू भाई अपना पावर दिखाओ, ये भी एक सही बंडल है, मेरे पास नहीं था, अभी देखते हैं इस पे क्या। अरे भाई कालू भाई रिपीट क्यों कर रहा है, मेरा डायमंड खत्म हो रहा है, देख नहीं रहा है। मेरे को ब्रेक डांसर दिला दे, वरना मैं सच में तेरा दांत तोड़ दूंगा, और भी अच्छा दिखेगा तू, सच्ची मैं बता रहा हूँ अभी। अरे भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार भाई, सिर्फ 1000 डायमंड बचा है, मतलब 5 स्पिन ओनली भाई। 10-12 हज़ार डायमंड था यार मेरे पास, सारे निकल लिया भाई, सारे निकल के हजम कर लिया। अरे भाई साहब क्या इसके, अबे ये बंडल फिर से दोबारा दे दिया यार, मजाक चल रहा है भाई। भाई छोड़ो यार मेरे पास, मेरे से नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा यार, मेरे को छोड़ दो, मेरे को माफ़ कर दो, आप लोग सारे मेरे को माफ़ कर दो भाई। अभी देखो यार यहाँ पे
ये सब तो भाई बेसिक है यार, मैं यहाँ पे प्रीमियम मरा था, तो अभी देखते हैं यहाँ पे बंडल पे जाके क्या कुछ निकला है। भाई भाई मेरा दिमाग घूम गया यार, भाई मेरे को ब्रेक डांसर नहीं मिला यार 12,000 डायमंड पे। भाई भाई क्या हो गया यार, ब्रेक डांसर लेना चाहिए था यार। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे रेयर बंडल तो मिला है, एटलीस्ट 6 से 7 रेयर बंडल तो मिला ही है। अभी सबको ब्रेक डांसर दे देगा तो सब लोग पहन के नहीं घूमेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रेयर है गाइस, ब्रेक डांसर के पीछे मत जाना। अगर 1-2 बंडल निकल जाता है आपका पहले ही तो भाई छोड़ देना, ठीक है? ठीक है गाइस, मेरा बात को याद रखना। और देखो यहाँ पे मेरे पास कितना कुछ बंडल जो है मतलब निकला है। अभी ये बाहुबली वाला भी नहीं था मेरे पास, और ये लड़की वाला भी नहीं था। तो गाइस आप लोगों ने तो देख ही लिया कि मेरा कैसे कटा इन लोगों ने, मैं ब्रेक डांसर के पीछे पीछे भागा बट मेरे को ब्रेक डांसर मिला ही नहीं। जो मेरे पास पहले से था वो बंडल दिया, एंड कुछ रेयर बंडल दिया, मतलब 7 से 8 रेयर बंडल दिया, बाकी तो भाई जो मेरे पास था वही दिया। ठीक है गाइज, और वैसे भी गन स्किन जो है गाइज, गन स्किन के पीछे मतलब अगर आप मतलब कट्टा के पीछे भागोगे, मतलब डबल बैरल का स्किन के पीछे, तो अगर नहीं निकलता ना पहले पहले तो वो नहीं निकलेगा, वो बहुत डायमंड खर्च कराएगा उसके बाद निकलेगा। तो अगर आपके पास 1000 डायमंड है तो 1000 डायमंड के अंदर करो, बहुत सही इवेंट है गाइज। ओके, मतलब लेजेंडरी बंडल मिलने का बहुत सही इवेंट है, मतलब जिसका किस्मत अच्छा रहेगा 1000 डायमंड के अंदर ही मिल जाएगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस इसके पीछे ज़्यादा डायमंड उड़ाना मत, क्योंकि पहले आप पैसा खर्च करके डायमंड खरीद लोगे, एंड उसके बाद अगर नहीं निकला तो आप लोगों को मतलब बहुत बुरा लगेगा गाइज, ठीक है? तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ गाइज। ओके, तो अगर आपके पास 1000 से 2000 डायमंड है तो आप लोग उड़ा सकते हो, क्योंकि एक बंडल का कॉस्ट ही मतलब 1000 से 1500 डायमंड होता है गाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सही लेजेंडरी बंडल है। तो थोड़ा सोच समझ के ही आप पैसा खर्च करना, मतलब पहले से ही आप सोच लेना, उसके बाद आप मतलब खर्च करना। ओके गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को भी बहुत सारे बंडल मिल चुका है गाइज। ओके, एंड यूट्यूबर के लिए तो भाई कोई सा भी यूट्यूबर दिखा देगा कि भाई मेरे को ये मिल रहा है वो मिल रहा है, बट आप लोग उतना ज़्यादा मत करना गाइज, ठीक है? मैं तो ज़्यादा अनबॉक्सिंग वगैरह करता नहीं हूँ, वैसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ही डालता हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, वैसे मेरा तो काट लिया गाइज इन लोगों ने ब्रेक डांसर के पीछे भगा के, बट मेरे को नहीं मिला। बाकी यहाँ पे मेरे पास जो रेयर बंडल है ये देख सकते हो, सीजन 3 वाला है, सीजन 4 वाला है, बहुत बड़ी मतलब रेयर बंडल है गाइज। ओके, तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। एंड गाइज आप लोगों को अगर कोई कौन कौन सा रेयर बंडल है अगर आप लोगों को देखना है तो बताना गाइज।